नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। हम इससे पहले मैकेनिक्स में बातें कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। आज हमें शुरुआत करनी है एक नए चैप्टर की। इन तीनों चैप्टर को पढ़ने के बाद में अब पढ़ा जा सकता है वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन। उन दोनों में से कोई सा भी पहले वैसे पढ़ सकते हैं। ज्यादा लॉजिकल होता है वर्क पावर एनर्जी को पहले पढ़ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है तो वहां पे वर्क पावर एनर्जी का योगदान होता है, यानी उसकी जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा लॉजिकल होता है वर्क पावर एनर्जी को पहले पढ़ना, और यही पहले पढ़ाया जाता है यूजुअली। कहीं पे बुक्स में आपको सर्कुलर मोशन जो है वो पहले दी हुई मिल सकती है। हम लोग पहले बातें करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे सर्कुलर मोशन, देन उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन एंड सो ऑन। तो आइए आज का नया खेला शुरू करते हैं, यानी ये नया चैप्टर है हमारे लिए वर्क पावर एनर्जी। उम्मीद है कि आपने एनएलएम फ्रिक्शन का सारा कार्यक्रम, सारा होमवर्क वगैरह पूरा किया होगा। मतलब जो है उसको अगर आप करके बैठे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आपका एक नए चैप्टर में। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हेडिंग डाल सकते हैं आप, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, एंड एनर्जी, एनर्जी। मार्केट में इसको WEP वर्क WP वर्क पावर एंड एनर्जी के नाम से मार्केट में जाना जाता है। बहुत छोटे छोटे छोटी छोटी बातें शुरू करते हैं कि क्या होता है वर्क, क्या होती है एनर्जी एंड क्या होता है पावर। बहुत ही आसान भाषा में इसकी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है वर्क, कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति। क्या होता है वर्क भाई साहब? क्या फिजिक्स में वर्क, मतलब हमने काम किया, कोई काम धाम किया करो, दुनिया कहती है ना कि भाई साहब कोई काम धाम किया करो। क्या है वो काम धाम, क्या फिजिक्स की भाषा में क्या काम होता है? हम तो वैसे ही फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी पढ़ते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है। जाहिर सी बात है वर्क भी ऐसी कोई चीज होगी जिसको मेजर तो किया ही जा सकता होगा। अच्छा, कौन करता है वर्क? मैंने कहा फोर्स करता है हमारे यहाँ पे वर्क। कौन करता है? फोर्स करता है। कैसे करता है? मैंने कहा एक बॉडी है जिसपे हमने फोर्स लगा दिया, एक बॉडी है जिसपे हमने फोर्स लगा दिया। अच्छा, और अगर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और अगर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो डिस्प्लेसमेंट जो है इस फोर्स की वजह से हुआ हो, इस फोर्स के लगने से इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तब अपन फिजिक्स में बोलते हैं कि भाई साहब वर्क हुआ है। आसान भाषा में वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस displacement of body in any direction except perpendicular normal to the direction of force। क्या है, किस तरह से मैथमेटिकली इसी बात को लिख सकते हैं? मैथमेटिकली जो वर्क हमारे लिए डिफाइन है, मान लो कि एक बॉडी है जिसपे हमने फोर्स लगाया F, लगने के फोर्स की वजह से इसमें मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट हो गया है ds वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी। अच्छा, तो किस तरह से डिफाइन है? छोटा सा वर्क अगर dw में डिफाइन करूं तो वो जो डिफाइन है वो है F डॉट ds। और अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बड़ा है, बड़े वर्क की बात करें, तो W इज बेसिकली F डॉट S, S इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, एंड F एंड S बहुत आर वेक्टर क्वांटिटी, और बीच में क्या हो रहा है, बीच में लग रहा है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, अगर इसको आसान भाषा में और लिखें आगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि F into S into cos थीटा? मैंने कहा हाँ। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा आपके पास, थीटा क्या है? थीटा इज बेसिकली मान लीजिए कि आपका F वेक्टर था, ये आपका ds वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है। कहां से कहां वेरी करता है दो वेक्टर के बीच का एंगल?
दो वेक्टर के बीच का एंगल वेरी करता है जीरो से लेके पाई तक। अच्छा ओहो, अब अगर थीटा मान लीजिए थीटा लेस देन 90 डिग्री हुआ, थीटा लेस देन 90 डिग्री हुआ तो मेरे लिए ये वाला वर्क क्या आएगा, मेरे लिए ये वाला वर्क जो है वो पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखें कि कोस थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम हुई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, एफ का मैग्नीट्यूड है ये, एस का मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव ही होगा। अगर कोस थीटा पॉजिटिव हो गया तो फिर आपको वर्क पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा अगर आपने खींचा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में या फिर इस अप्लाइड फोर्स से 90 डिग्री से कम एंगल पे इधर कहीं हो गया तब वर्क जो है फिजिक्स में पॉजिटिव बोला जाएगा कि वर्क किया गया है। ओ हो। अच्छा अगर थीटा 90 हो गया तो इफ पहला केस थीटा इज लेस देन 90, सेकंड में मैं बोल रहा हूं थीटा अगर 90 हो जाए, थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए तो कोस थीटा क्या हो जाएगा लल्ला जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा आपके लिए जीरो बोला जाएगा। ओहो इस वाले केस में वर्क आपका हो जाएगा जीरो। क्या फोर्स लग रहा है? हाँ। क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है? मैंने कहा हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है। और हमने बात की थी कि फोर्स का वर्क तभी माना जाएगा व्हेन फोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो, मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो, यहां पे हमने क्या किया, एक बॉल को बांध दिया एक धागे से और इसको घुमा रहे हैं टिक 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 टिक। किसी भी पॉइंट पे अगर अपन ध्यान से देखें तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डीएस इस डायरेक्शन में होगा और इस पे लगने वाली टेंशन कैसी होगी, इसमें लगने वाली टेंशन ऐसी होगी कि नहीं होगी यार, बीच का एंगल क्या हमेशा 90 रहेगा। मैंने कहा हाँ। कोई आपसे बोले कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, आप बोलेंगे जीरो, काहे कि हर मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 आ रहा है। कल को अगर मैं बात करूं कि ये वाला सन है और ये वाला अपना धरती माता है, कौन है, या फिर आप इसको धरती बोल दीजिए, ये मून बोल दीजिए, इसको अर्थ बोल दीजिए और इसको मान लो कि मून बोल दीजिए, ये मून है, इस पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, और ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो हमेशा ग्रेविटेशनल मोशन टुवर्ड द सेंटर रहेगा। डीएस वेक्टर आपका ऐसा है, डीएस वेक्टर आपका क्या है, ऐसा है, तो आपके लिए बीच का एंगल हमेशा 90 होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा यहां पे एक फिक्स्ड वेज है, ये कैसा है, ये फिक्स्ड है। ओहो, ये एंगल मान लीजिए थीटा, यहां से मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को रिलीज कर दिया है, क्या किया है, रिलीज कर दिया है। अगर ब्लॉक को रिलीज कर दिया भाई साहब, ब्लॉक को रिलीज कर दिया तो क्या ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल हमेशा ऐसा होगा, मैंने कहा, और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, तो यहाँ पे बीच का एंगल हमेशा क्या 90 रहेगा, मैंने कहा। कल को कोई बोले कि वर्क डन बाय नॉर्मल बताइए, जब ये यहां से आया तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, जीरो, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या रह रहा है, 90 रह रहा है। ओहो, अगर मान लीजिए कि थीटा 90 से कम हुआ तो वर्क पॉजिटिव होगा, थीटा अगर 90 से ज्यादा हो गया, सॉरी 90 हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तीसरा केस लेते हैं भाई साहब कि अगर थीटा जो है वो 90 से बड़ा जो है अप टू 180 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो है वो जीरो से लेके 180 तक हो सकते हैं, ऐसा होगा तो कोस थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क आपका कैसा आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा। आई को बे कि बॉडी पे फोर्स मैंने उधर लगाया और बॉडी इधर आ रही है, कितना घटिया काम किया है ना, नकारात्मक घटिया नेगेटिव काम किया है ना यार, तू चाहता था कि बॉडी उधर जाए लेकिन बॉडी जस्ट तेरे अपोजिट आ गई, मतलब उल्टी गंगा बह गई, मतलब कैसा वर्क हुआ है, मतलब हुआ है नेगेटिव वर्क। अच्छा फोर्स क्या होता है, अच्छा एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा, एफ क्या है, मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस क्या है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा किसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मान लीजिए कि हमने इस पे फोर्स लगाया, इस पे धक्का दिए जा रहा हूं, इधर की तरफ इस पे धक्का दिए जा रहा हूं, ये वाला बोर्ड पे ऐसे धक्का दे रहे हैं, बोर्ड का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, क्या वर्क किया मैंने,
तो यहां पे मेरे द्वारा लगने वाले इस फोर्स ने क्या कोई वर्क किया है? मैंने इसे धक्का दिया, बोर्ड बिल्कुल भी मूव नहीं किया, तो क्या मेरे द्वारा लगने वाले इस फोर्स ने कोई वर्क किया? जवाब होगा नहीं, कोई वर्क नहीं किया। क्या मैं थक जाऊंगा? क्या मैं अगर इसको धक्का देता रहूंगा क्या मैं थक जाऊंगा? ऑब्वियस है, लेकिन वो मेरे इस वर्क के कारण नहीं होगा। वो इंटरनली जो जो वर्क हो रहा है बॉडी के अंदर, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उससे मैं थक जाऊंगा, दैट इज इंटरनल वर्क। उसकी बातें अपन आगे और भी करेंगे। लेकिन अगर मैंने किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं की तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर मैं एक चीज और छोटी सी समझा रहा हूं, मान लीजिए कि ये वाला आइटम को मैंने यहां पे रखा, ये वाला आइटम को मैंने यहां पे रख दिया और मैंने यहां पे फोर्स लगाया, जरा ध्यान से देखें क्या ये जो अपना जो कार्यक्रम है इसे साफ करते हैं, क्या ये मूव करके बहुत आगे चला गया? मैंने कहा नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, पहले ऐसा था, फिर मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा अंदर गया कि नहीं गया? कौन सा वाला पॉइंट गया? मैंने कहा ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पे मैंने फोर्स लगाया, क्या वो मूव किया? मैंने कहा अच्छा, क्या इस वाले केस में मेरा कोई वर्क है? क्या अब कोई मेरा वर्क है? तो बोलेगा नहीं। लेकिन मैंने इसको यहां पे रखा और जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया वो मूव करके अंदर गया। देखो जरा, देखो थोड़ा सा अंदर गया होगा ना यार, इसकी शेप बिगड़ गई है। मतलब ये जो है पहले एकदम मैं प्लेन लेके चलू, मान लो कि ऐसा है, लेकिन मैंने फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा अंदर घुस जा रहा है। अब बताइए, ये तो बोर्ड से आगे गया नहीं है। अब बताइए कि इस वाले केस में आपका वर्क डन जीरो था, लेकिन जब आपने इसको रख के ऐसे धक्का दिया है तो थोड़ा सा ये मूव कर गया अंदर, ये वाला भले पीछे आगे नहीं गया हो। मतलब कुल मिला के मास्टर ऐसा बोल रहा है कि अगर ऐसा हो कि ये दीवार मान ली मैंने, टिक 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 टिक, यहां पे ईंट टाइप का आइटम रख दिया मैंने, एकदम एक सॉलिड आइटम, यहां पे फोर्स एफ लगाया, बिल्कुल मूव नहीं किया, बिल्कुल भी मूव नहीं किया, वर्क डन क्या बोलेगा इस फोर्स का? इसका जीरो। लेकिन कल को मैंने ऐसा कुछ स्प्रिंग टाइप का आइटम रखा, मैंने ऐसा किया कि ये ऐसा था मतलब इस तरह का था, लेकिन मैंने फोर्स लगाया इस पे और हुआ क्या? हुआ ये कि ये थोड़ी देर बाद में ऐसा हो गया, यानी फोर्स की वजह से अब जो है ऐसा हो गया है, अंदर की तरफ घुस गया है थोड़ा सा। अच्छा, मैंने फोर्स यहां पे कहां लगाया था? यहां पे लगाया था। क्या ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव किया था ऊपर वाले केस में? नहीं किया था। ऐसा रख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये वाला आइटम मैंने पहले केस में रखा, ऐसे यहां रख के इस पे फोर्स लगाया, क्या मेरे द्वारा कोई वर्क हो रहा है? मैंने कहा नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा? मैंने कहा ये रहा। क्या ये मूव कर रहा है? मैंने कहा नहीं। लेकिन सेकंड केस में मैंने ये वाले आइटम को यहां पे रखा और यहां ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या वो मूव किया? मैंने कहा ओ, तो कौन से वाले केस में वर्क होगा? मैंने कहा और अच्छा, ये दीवार तोड़ के तो कोई भी नहीं गया, दीवार से आगे तो ये भी नहीं गया, दीवार से आगे तो ये भी नहीं गया, तो किसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं? वैसे तो बॉडी इससे आगे नहीं गई, डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जिस बिंदु पे फोर्स लग रहा है बॉडी के, जिस बिंदु पे फोर्स लग रहा है उस वाले बिंदु का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भले पूरी बॉडी मूव करे कि नहीं करे यार, लेकिन जिस बिंदु पे पॉइंट ऑफ फोर्स लग रहा है वो उसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे लिया जाता है। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ डॉट डीएस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। हमको ये पता लग गया कि कब जो है आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब नेगेटिव होगा, और उसके लिए जो एफ है वो फोर्स हो गया है, डीएस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉडी एंड अप्लाइड फोर्स, जो कि वेरी कर सकता है 0 से लेके 180 के बीच में। अच्छा, नाम है चैप्टर का वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क की बात, थोड़ी सी बात हमने को समझ में आई कि यार मतलब जो है वर्क करने के लिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन। उनका बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तो वर्क मतलब होता क्या है ये समझ में आ गया। लेकिन ये तीनों चीजें हेडिंग में जो हमारा चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, ये कैसे पढ़ा? अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप सोचें, तो वर्क करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? वर्क रिक्वायर्स। क्या किसकी जरूरत होती है भाई साहब? एनर्जी के बगैर काम चलने वाला नहीं है, एनर्जी के बगैर काम चलने वाला नहीं है। क्या बगैर एनर्जी के आप वर्क कर सकते हैं? भूखे पेट भजन नहीं होते। जैसे हम भी काम धाम करते हैं, या आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना।
तो वर्क करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बगैर एनर्जी के वर्क नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा, वर्क करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और जिस रेट से वर्क किया जाता है, रेट जो है वर्क करने की, रेट जो है वही आपके जो वर्क करने की रेट होती है, उसी को प्यार से पावर बोल दिया जाता है ना। किसी भी आदमी के बोलते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी बहुत ज्यादा वर्क जो है, बहुत फास्ट फास्ट चीजें काम कर लेता है, बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है, तो रेट ऑफ डूइंग एनर्जी, गिविंग एनर्जी है कि नहीं यार। तो मतलब जो है आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा, ये चैप्टर में जो वर्क है वो रिलेटेड है एनर्जी से। मैंने कहा हाँ, वर्क को करने के लिए किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की। और वर्क के करने की रेट को क्या बोला जाएगा? पावर। अच्छा, तो क्या ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है? यस। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या हो गया है? वर्क पावर एंड एनर्जी, WPE, प्यार से इसको मार्केट में बोला जाता है। हमें ये समझ में आ गया कि भाई साहब वर्क जो है उसी से सारी बातें रिलेटेड है, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क पावर एंड एनर्जी में सबसे पहले अपन बातें करेंगे वर्क की, फिर लौट के आएंगे एनर्जी पे, फिर धीरे 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 लास्ट में बातें करेंगे पावर की। ये पूरी बातें जो है इस वाले चैप्टर में होने वाली है। तो एक ब्रॉड आइडिया आपको लग गया कि क्या चीज वर्क होती है, क्या चीज एनर्जी होगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो आप 9th लेवल पे भी जानते हैं, कुछ एनर्जीज होती हैं, जैसे ऊपर फेंक दिया बॉडी को। जैसे मान लो कि मैं, मेरे हाथ में एक आइटम है, ये वाला आइटम है ना, मैंने इसका मास है, मैंने इसको रफ्तार दी, मैंने कुछ वर्क किया होगा ना, तो क्या हुआ, इसको क्या मिल गया? एक एनर्जी मिल गई, हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो ये चीजें तीनों की किस तरह से आपस में रिलेटेड है, इसी पे इन तीनों की ही बातें इस पूरे चैप्टर में अपन करने वाले हैं। हमको लगता है कि आगे बढ़ लेना चाहिए। थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं और बहुत, अब पहले सबसे पहले अपन वर्क पे पीएचडी करेंगे। 2-3 लेक्चर में सिर्फ वर्क की बातें करेंगे, वर्क पे पूरा पीएचडी होने के बाद में बातें करेंगे एनर्जी की। चलिए बढ़ते हैं आगे। माने यान मन दिल दाना असा दे तेनू रब मने। चलिए हाँ, छोटी छोटी बातें और करते हैं वर्क के बारे में। हम समझ गए कि मैथमेटिकली जो वर्क हमारे लिए डिफाइन है वो है बेसिकली F.S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और छोटी सी बात करें तो वो है F.DS वेक्टर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है एक वेक्टर, सॉरी एंड डिस्प्लेसमेंट ही ये वेक्टर है, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। तो हमें जो वर्क प्राप्त होगा, जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। यूनिट क्या होगी? मैंने कहा होगी फोर्स का आपका हो गया है न्यूटन मीटर। इसी आइटम को जूल बोल दिया गया। 1 न्यूटन को जब आप 1 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 1 जूल, यानी कि इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जो है वर्क की, वो है हमारे लिए 1 जूल। जूल साहब ने सबसे पहले ये सब बात खेला तो दोनों ने अपना नाम लगा दिया 1 जूल। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो जो है 1 जूल इज बेसिकली इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर मैं CGS की बात करूं, ये तो ऐसा ही है, CGS में 1 न्यूटन हो जाएगा 10^5 डाइन के बराबर, और 1 मीटर होता है 10^2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 10^7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। इस आइटम को बोला जाता है डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर हो जाता है अर्क। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्क, या 1 अर्क इज इक्वल टू 10^-7 जूल। वैसे एक और यूनिट है वो कैलोरी, क्या होती है? जनरल जो यूज होती है वो है कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18, ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.2 जूल। कहीं यूज आए तो हताश परेशान निराश होने की कहीं जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं काम आएगी। अच्छा, डायमेंशन की बात करें, वर्क की डायमेंशन क्या होगी? वर्क की डायमेंशन भाई साहब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स आपका हो गया MLT-2 इंटू L आ गया है, तो डायमेंशन हो जाएगी ML²T-2
-2। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, छोटी छोटी बातें और करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और छोटे छोटे पॉइंट्स पॉइंट्स की बातें करते हैं, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स या नोट बना के उस बातों को कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहली चीज हमें जो समझ में आई यार, एफ डॉट डीएस में डीएस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पहला पॉइंट जो आपको लिखना चाहिए कि वर्क इज बेसिकली डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डीएस where DS is displacement of point of application of the force का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही यहाँ पे यूज किया जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। एक छोटी सी बात और करते हैं कि डीएस क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट पे आता है कि इंटरवल में आता है? बोलेगा साहब बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान गई है तो इंटरवल ही होगा। डीटी टाइम में आएगा, टी इज इक्वल टू टी पे थोड़ी आएगा, डीटी टाइम में आ जाएगा, डेल्टा टी टाइम में आएगा, है कि नहीं है? अच्छा तो क्या कोई इंस्टेंटेनियस वर्क होगा? जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, क्या कोई इंस्टेंटेनियस वर्क हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ डॉट डीएस में डीएस कभी इंस्टेंटेनियस हो ही नहीं सकता। वर्क इज डिफाइंड इन इंटरवल। इंटरवल में डिफाइन होता है भाई साहब। कोई इंस्टेंटेनियस वर्क, कोई आपको बोले कि इंस्टेंटेनियस वर्क बताइए, तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वर्क, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास हुई होगी, ये हो सकती है, पर इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी कोई चीज नहीं है। वर्क एक इंटरवल में डिफाइन होगा, लेकिन वो इंटरवल बहुत छोटा हो। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वर्क बताओ, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कभी वर्क नहीं आएगा। कभी बोलेगा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड से टी इज इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में वर्क बताइए, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वर्क बताइए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। वर्क डिफाइन होता है इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, इन्हें इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अपन। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, दो छोटी छोटी बात की। एक और छोटी सी बात करते हैं तीसरी वाली की। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। अच्छा एक बॉडी है भाई साहब, जिसका मास मान लीजिए कि मास एम है, और इसपे हमने फोर्स लगाया एफ, और मान लीजिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है डी। क्या हो गया है डी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑफ फोर्स एफ। आप बोलेंगे साहब फोर्स था एफ और डिस्प्लेसमेंट हो गया डी और बीच का एंगल है जीरो, तो कोस जीरो, तो एफ इंटू डी आ गया। आपने तुरंत बता दिया एफ इंटू डी आएगा। आपने ये पूछा ही नहीं कि साहब यहां से जब ये ब्लॉक भाग के यहां तक आएगा तब इसका टाइप ऑफ मोशन कैसा होगा, या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा था, क्या ये एक्सलरेट होके आ रहा था, क्या ये डी एक्सलरेट होके आ रहा था, आपने बिल्कुल ये नहीं पूछा। ओ हो, वर्क ऑफ एनी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन। से क्या मतलब है कि बॉडी बनाई, whether बॉडी इज एक्सलरेटेड रिटार्डिंग और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं यार? मूविंग फ्रॉम वेलोसिटी, हमको ये मतलब है कि एफ इधर था डी उधर था, हमने बिल्कुल कर दिया, हमको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई साहब बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गई कि एक्सलरेट होके गई कि डी एक्सलरेट होगी, हमें क्या मतलब है यार, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूं आपको कि मान लीजिए, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी, बहुत ही ज्यादा मतलब,
मतलब एक बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक अपन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक बॉडी है इसका मास है 2 kg, क्या है 2 kg, और वो धरातल पे रखी हुई है। इधर इस पे लग रहा है 10 N, क्या लग रहा है 10 N लग रहा है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और मान लीजिए कि ये बॉडी जो है वो यहां से यहां पर, मतलब ये सरफेस स्मूथ है, क्या है स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, और ये बॉडी मूव करते करते आगे की तरफ चली गई है। मान लीजिए कि आगे चलेगी 5 m, ये अभी यहां पहुंच गई है, है? आप कोई बोले कि 10 N का वर्क डन बताएं, वर्क डन बाय दिस 10 N, तो आप बोलेंगे साहब फोर्स था 10, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5, और एंगल जो है बीच का ये 0 आ रहा है, तो 0 is 1, आपका आंसर आया 50 J। क्या आया है 50 J आपका आंसर आ गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैंने अब स्मूथ को हटा के यहाँ पे फ्रिक्शन डाल दिया है, मैंने बोला μ = 0.1 है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या आ जाएगा आपके लिए, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही होगी, F इज बेसिकली पीछे की तरफ लग रहा होगा 1/10 × 20, यानी कि 2 N, यानी कि इसकी पूरी यात्रा के दौरान 10 आगे लग रहा होगा, 10 N आगे लग रहा होगा, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 2 N। आपको बोले कि बॉडी जो है यहां से यहां तक चलेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट 5 m हुआ है, बताइए कि वर्क डन बाय 10 N क्या होगा, क्या आज भी 10 × 5 × 1 50 J होगा। अरे पिछली बार तो फ्रिक्शन था ही नहीं, इस बार फ्रिक्शन भी लग रहा है। मैंने कहा वर्क डन बाय फॉर ए फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय ए फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर फोर्सेस। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर दिया तो फ्रिक्शन लग रहा है कि कोई और लग रहा है, उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहां लिखा जाए इस वाले पॉइंट को, 3 हो गए हैं, 4 में यहां पे लिख देते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स किन्हीं और फोर्सेस की प्रेजेंस से किसी पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा एक फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या वर्क होगा, वो बाकी वाले फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता। अगर बॉडी 10 N की इन्फ्लुएंस में 5 m आगे गई है तो, और ये भले ही यहां फ्रिक्शन दूर लग रहा हो कि नहीं लग रहा, हाँ पहले वाले में फ्रिक्शन थी नहीं तो वर्क डन 0 आएगा, इस बार फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आएगा, इस बार फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन लग रही है पीछे, बॉडी जा रही आगे, नेगेटिव आएगा 2 × 5 × वर्क डन बाय फ्रिक्शन की अगर बात करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आप बोलेंगे साहब 2 × डिस्प्लेसमेंट 5 × बॉडी पे फोर्स लग रहा है पीछे, बॉडी जा रही आगे, बीच का एंगल 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री होता है -1, यानी कि -10 J आ जाएगा। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा -10 J, फ्रिक्शन का वर्क डन होगा -10 J, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन क्या आज भी 10 N के द्वारा जो वर्क होगा क्या उस पर कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। ओहो, 1, 2, 3, 4 एक आध चीज यार अपने दिल में ऐसे ही आ रही, कहां बताएं, इधर बता देते हैं। आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, आप रेफरेंस फ्रेम जानते हैं ना, मैंने कहा क्या किसी पर्टिकुलर फोर्स का वर्क जो होगा उसके द्वारा किया गया वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, सोचिएगा क्या वर्क जो है फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं है, क्या वर्क फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है या नहीं, क्या किसी भी फोर्स द्वारा किया गया कार्य कौन सी फ्रेम से बातें कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ये आपको सोचना है। आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं, आप अपना आइडिया बताइए कि आपको क्या लगता है क्या डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, क्या वर्क फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझ ले, मजा आएगा। मान लीजिए क्या हो कि हमारे पास एक ट्रक है, ये लिया हमने ट्रक, ले लिया टायर, ट्रक चल रहा है रोड पे, मैंने कहा बहुत बढ़िया,
यहां पे हमने एक वेज रख दिया, मतलब बहुत बढ़िया, माना कि ये वाला एंगल 37 डिग्री की कितना है 37 डिग्री, और यहां पे एक ब्लॉक रख दिया है हमने 5 केजी का एक ब्लॉक रख दिया है, कितने केजी का है 5 केजी का एक ब्लॉक है, और ट्रक इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और आपको बोले कि ये जो 5 केजी है, 5 केजी ब्लॉक ब्लॉक इज एट रेस्ट With respect to और वेज, और जो कि फिक्स्ड है, जो कि कहां है फिक्स्ड है, कहां पे बॉडी की फ्रेम पे, यानी कि इसके ट्रक के फ्रेम पे है कि नहीं है। अच्छा बढ़िया, इसका मतलब फ्रिक्शन होगा, इस वाले पे नीचे लग रहा होगा एमजी साइन थीटा, और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा एमजी साइन थीटा के बराबर। आपको कोई बोले कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताएं और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही बता दें, मतलब है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन टू सेकेंड्स 2 सेकेंड में वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताएं, यानी कि T=0 पे गाड़ी स्टार्ट हुई 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, हमेशा यूनिफॉर्म रफ्तार से ही चल रही है, 2 सेकेंड में फ्रिक्शन का वर्क डन बताएं। अब अगर आप ध्यान से ये वाला ब्लॉक देखें तो नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा होगा, 50 लग रहा, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा, यानी 50 mg sin theta, यानी कि 3/5, यानी कि आ जाएगा आपका 30 newton, और इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा 40 newton, नॉर्मल क्या लग रहा है 40 newton, और अगर ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए भाई साहब 30 newton। अच्छा बहुत बढ़िया, और 2 सेकेंड में ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि 2 × 2 4 मीटर आगे चली जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, कितना लग रहा है 30 newton लग रहा है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा कितना होगा 4 मीटर होगा। बीच का ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल होगा हमारे लिए, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये आपको 37 डिग्री दिया हुआ है, कौन सा वाला, ये 37 डिग्री दिया हुआ है, ये 37 डिग्री होगा तो ये वाला 37 डिग्री होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 - 37 डिग्री। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा हमारा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज बेसिकली F × S × cos θ, तो F आपका क्या है फ्रिक्शन का वर्क F है 30 newton, क्या है 30 × डिस्प्लेसमेंट है 4, बीच का एंगल है cos 180 - 37 डिग्री, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो कुछ नेगेटिव वर्क आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब। अच्छा कल को आपको बोलते कि नॉर्मल का वर्क बताओ, तो ये इस वाली बॉडी पे नॉर्मल ऐसे लग रही होगी और वैल्यू क्या हो जाएगी 40 के बराबर, तो नॉर्मल आपका ऐसे लग रहा है और ये वाला एंगल है आपका 37 डिग्री, ये हो जाएगा 53 डिग्री, तो नॉर्मल × 4 × cos 53 डिग्री, ये 37 है ये 53 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा नॉर्मल का भी वर्क नॉन जीरो आ रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल अगर आपको बोल दे, वर्क डन बाय नॉर्मल बताएं, इसी सवाल में आपसे पूछे कि वर्क डन बाय नॉर्मल बताएं, तो नॉर्मल की वैल्यू आपके लिए क्या है, अरे नॉर्मल के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये ऐसा है, इस पे नॉर्मल लग रही होगी ऐसे, कितनी लग रही है 40 newton लग रही है, ये वाला एंगल क्या है मैंने कहा ये 37 डिग्री है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 4 newton आ रहा है, ये 37 ये इसके 90 होगा, ये 53 डिग्री, वर्क डन बाय नॉर्मल बताएं, तो आप बोलेंगे साहब कि नॉर्मल लग तो 40 रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का 4 newton नहीं है 4 मीटर है, 4 मीटर × 4 मीटर × क्या आ जाएगा, बीच का एंगल क्या है वो है cos 53 डिग्री, यानी कि cos 53 डिग्री 3/5 आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 × 8 = 32 जूल, यानी पॉजिटिव वर्क डन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ वर्क डन इन टू सेकेंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, तो आपका कुछ ना कुछ वर्क आ रहा है, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं कौन सी फ्रेम की बातें कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड फ्रेम की बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुमको बोले कि ये चीटा जी है, एक चीटा जी है यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक चीटा बैठा हुआ है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताएं चीटा के रिस्पेक्ट में,
थीटा बोलेगा भाई साहब कि फ्रिक्शन तो लग रही है 30 न्यूटन। क्या लग रही है? 30 न्यूटन लग रही। क्यों? क्योंकि थीटा जी को लगेगा कि ये वाला रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है तो फिर ये वाला 30 को फ्रिक्शन ही तो बैलेंस कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है 30 न्यूटन। अच्छा, लेकिन बोलेगा सुबह होगी, सुबह से शाम हो गई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वो अग्रण क्या होगा? जीरो। हमने बोला नॉर्मल का बता दो भाई साहब, उसने बोला नॉर्मल भी लग रहा होगा, एमजी को थीटा को नॉर्मली बैलेंस कर रहा है, वो 40 होगा, लेकिन यार बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट मैंने देखा ही नहीं है, इसलिए वो अग्रण क्या हुआ? जीरो। अच्छा, ओहो हो, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्क आ रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में वर्क नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा यार फोर्स तो वही है, वो मतलब वही सब बातें हो रही है। मैंने कहा फोर्स वही है, क्योंकि फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसलिए वर्क जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो हमें पांचवा पॉइंट लिखना चाहिए, पांचवा और लास्ट पॉइंट होगा हमारा, फिर अपन आगे सवालों पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बीच में पांचवा पॉइंट, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क इज एस एफ इज फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। कौन सा फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम। बट डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम। So work done, work F dot S depends on the frame of reference की बातें अपन पहले ही एनएलएम में कर चुके हैं, है कि नहीं यार? अच्छा, आसान भाषा में बात करें तो वो वाली जगह जहां से बैठ के चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो अग्रण दोनों का नॉन जीरो आया था, लेकिन चीटा जो इसके साथ चल रहा था, चीटा को लग रहा था कुछ चिल है, क्योंकि वो एक खुद ही इस फ्रेम में था, उसको कुछ पता नहीं था, है कि नहीं यार? अच्छा, कि ये मूव किया कि नहीं किया। अच्छा, तो वर्क डन उसके रेस्पेक्ट में जीरो आ गया। तो छोटी छोटी बातें अगर अपन दोबारा रिवाइज करें तो वर्क में एफ डॉट डीएस में एफ आपका फोर्स हो गया, डीएस क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। पूरी बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर एक बहुत जॉइंट बॉडी, बहुत बड़ी सी बॉडी है, जिस बिंदु पे फोर्स लग रहा है उस बिंदु का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और थीटा जो है उनके बीच का एंगल हो जाएगा। अगर मैं इसको लिख दूं एफ डी एस को, डी डब्ल्यू इज बेसिकली एफ डी एस कॉस थीटा, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये इंटरवल में डिफाइन होता है, किसी ऐसा कभी भी आपको ऐसा सुनाई नहीं देगा कि टी इक्वल 2 सेकंड पे वर्क बताओ, आपको बोलेगा 2 से 3 सेकंड तक बताओ, मतलब एक इंटरवल देगा। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती है, इंस्टेंटेनियस लॉस भी जैसे होता है वैसा इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होता। वर्क जो है इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ मोशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी एक फोर्स के अंडर बॉडी जो का एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एक्सेलरेट होके गई कि डी एक्सेलरेट होके गई कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गई, इस पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन एफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्सेज, यानी कि यहाँ पे ये समझ गए कि भाई 10 का 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में वही वर्क होगा, अगर वो फ्रिक्शन होगा तब भी वही होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तब भी वही होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इतना वर्क करने के बाद इसको कितनी एनर्जी मिलेगी वो अलग बात है, क्योंकि पहले वाले केस में सिर्फ 10 का पॉजिटिव वर्क डन होगा, सेकंड वाले केस में 10 का पॉजिटिव वर्क डन होगा, फ्रिक्शन कुछ खा जाएगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, तो इसको कम एनर्जी मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन किसी पर्टिकुलर फोर्स का किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मान कितना वर्क होगा, वो अदर फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता। ये बात यहां समझ ली, फिर अपन आगे चले गए और हमने एक लास्ट एंड फाइनल चीज समझी कि वर्क भाई साहब फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी फ्रेम में वर्क पूछा गया है, ग्राउंड की फ्रेम में वर्क आ रहा था नॉर्मल और फ्रिक्शन का, लेकिन वही वाला चीटा भाई साहब इस ट्रक की फ्रेम में बैठे हुए चीटा के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बेसिक सा आइडिया हमने ले लिया है कि क्या होता है बेसिकली वर्क और किस तरह से वो पावर और एनर्जी से रिलेटेड है, धीरे धीरे वो डेप्थ में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बस यही है पूरा चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। आइए आगे खेला खेलते हैं। मेरा दिल भी इतना पागल है,
चलिए बोर्ड हो गया चकाचक। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा कुछ ले लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ले लिया कितने केजी का लें भाई साहब, कितने केजी का लें इसको ले लेते हैं अपना 5 केजी की, कितना 5 केजी का ये ब्लॉक है। मान लो कि इधर की तरफ इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है 50√2 न्यूटन और ये वाला एंगल मान लीजिए आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। अच्छा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मान लीजिए आपको दे दिया जाए, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना दे दें, 50 इसको कर दो 10 केजी, इसको कर दीजिए 10 केजी और फिर 50 यस 50 माइनस 50 × 0.2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 0.2। अच्छा, 0.2 रहेगा तो क्या होगा, ये 50 जाएगा, ये 50 माइनस 50 50 × 2 10, हाँ ठीक है, चलिए 0.2 कर दीजिए। और क्या करें भाई साहब, बहुत बढ़िया, फाइंड दी वर्क डन बाई, पहला ऑप्शन है आपके लिए बाई 50√2, दूसरा जो है आपने एप लगा दिया 50√2, फिर आपको वर्क डन बताना है किसका, फ्रिक्शन का, एंड थर्ड में आपको बताना है वर्क डन बाई नॉर्मल, जो ब्लॉक पे नॉर्मल लग रहा है उसका वर्क डन बताना है इन टू सेकेंड, यानी ये हालचाल आपको दिया और 2 सेकेंड में आपको वर्क डन बताना है 50√2 ने कितना वर्क डन किया, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क डन किया। शुरू हो जाइए भाई साहब वीडियो को पॉज मारिए, बहुत ही लल्लू पुल्लू सवाल है, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बस अपन। अच्छा, अगर आप ध्यान से आप देखें तो इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा 50, इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा 50, नीचे वाला आपके लिए लग रहा होगा ये है 100, ऊपर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा नॉर्मल, ओहो, तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 100 − 50, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। पीछे की तरफ फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है, यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, अब वो हमारे पास हो जाएगा μ × नॉर्मल, म्यू की वैल्यू है 0.2 यानी कि 2/10 और नॉर्मल की वैल्यू है 50, तो आ क्या आ जाएगा 10 न्यूटन, लेकिन खींचने वाला है 50 तो ये चलेगा, इसका मतलब जो है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर और यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर, वही मैक्सिमम, यही म्यू एस है, यही म्यू के है, अरे ये एफ नहीं है लल्ला, ये म्यू है लल्ला, ये क्या है, म्यू है जो कि 0.2 दिया हुआ है, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओहो, तो ये चल रहा है, अगर ये चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी लल्ला, एक्सेलरेशन हो जाएगी 50 − 10 / 50 इसका जो है इधर की तरफ का फोर्स हो गया है, इधर की तरफ पीछे रोकने वाला 10 हो गया, टोटल मास है इसका 10 किलो, यानी 40/10 यानी कि 4 m/s² और इनिशियली ये रेस्ट पे था, इनिशियली अगर ये रेस्ट पे था तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s = ut + ½ at² t कितना है 2 सेकेंड है, यानी कि ये आपका आ गया है 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 4 × 2 = 8 मीटर हो गया। अब आपको कोई बोले पहला वाला कि वर्कडन बताइए 50√2 का, पहले वाले का वर्कडन क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स है आपका 50√2 × आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है 8 है और बीच का एंगल क्या है 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2, तो अगर आप देखें तो 50 × 8 यानी कि ये वाले कंपोनेंट का ही वर्क आया है, कौन से वाले का, ये वाले का, ऊपर वाला कंपोनेंट का 0 होगा, काय को कि बीच का एंगल 90 है, 50 × 8 8 × 5 = 40, तो ये 400 जूल जो है पॉजिटिव वर्कडन किया है, किसने वर्कडन किया है, ये 50√2 ने टोटल वर्कडन किया है। फ्रिक्शन का वर्कडन बोलिए, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे कितना 10, बॉडी आगे की कितनी गई है 8 है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू है 10, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 8 और बीच का एंगल है 180 डिग्री, cos 180 डिग्री −1, यानी कि माइनस ऑफ 80 जूल यहाँ पे कौन क्या वर्क किया होगा, वो फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा। अच्छा, तीसरे पे चलते हैं, थर्ड वाला है बेसिकली नॉर्मल, यहाँ पे कितना है, नॉर्मल हमारे पास है यहाँ पे 50 न्यूटन, वर्क डन बाय नॉर्मल जो कि 50 इंटू
डिस्प्लेसमेंट इज 8, लेकिन बीच का एंगल है 90 डिग्री, यानी कोस 90 हो गया 0, वर्क डन बाय नॉर्मल होगा 0 जूल। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। ओहो हो हो हो, एक आध सवाल और लेते हैं। ये बहुत ही लल्लू पुल्लू की किस्म का सवाल था। बेसिकली 50√2 50 50 के कंपोनेंट कर लिए, नीचे एमजी लग रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू 50 आ गई, 0.2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके लिए 2/10 × 50 आ गया, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया। 50 - 10 यानी 40 न्यूटन उधर फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो 40/10 से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन आ गई तो पहले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता कर दिया, s = ut + ½at² इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, तो बेसिकली ये ut 0 हो गया, ½at² ये की वैल्यू आ गई, ये 4t² यानी t = 2 सेकंड बोला था हमने इंटरवल में, तो 4 आ गया है, तो ये 2 8 मीटर हो गया। वर्क डन बाय इसका निकालना है तो (8) कर दिए, 15 * 8 = 10 - 80 जो वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। आगे बढ़े क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लिख लो आप। ये सवाल नंबर 1 था, सवाल नंबर 2 लिखिए। ऐसे ही थोड़ा सा वेक्टर डाल के सवाल बना लेते हैं। लिखिए लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं सवाल, बोर्ड हम साफ करते हैं, आप सवाल सॉल्व कीजिए। सवाल लिख दीजिए, मान लो कि एक बॉडी पे है, उस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है मान लो 2i - j + 3k(N) है कि नहीं यार? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स बॉडी मूव्स फ्रॉम P, दैट इज 2, 3, 4 से बॉडी कहां चली गई है? बॉडी Q पे चली गई है। मान लो कि Q का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाए 1, 0, 2 पे बॉडी चली गई। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स बॉडी मूव्स फ्रॉम P टू Q, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स F, इस फोर्स F का वर्क डन क्या होगा? लल्लू पल्लू सवाल है, घोड़े की रफ्तार से कर ले भाई साहब, घोड़े की रफ्तार से सॉल्व कर ले, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा मतलब है ना। बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स दिया है तेरे को, और बॉडी का क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो बोलेगा कहां दिया है? मैंने कहा इनिशियल पोजिशन वेक्टर पता है तेरे को, बाद का पता है भाई साहब, तुरंत कर डाल यार, है कि नहीं यार? अरे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना यार, जरा ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या है यहाँ पे? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन आपकी है, बेसिकली फाइनल पोजीशन है आपके लिए, आपके लिए P टू Q गया है, यानी कि आपके पास जो है 1 - 2 यानी कि -1 i कैप - 1 i कैप, 0 - 3 यानी -3 j कैप, 2 - 4 क्या हो जाएगा आपके लिए? 2 - 4 = -2 k कैप। अच्छा, ये आ गया है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट, ये आपके लिए क्या हो गया है? ये आपके लिए हो गया है बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ गए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S है। F क्या है आपके लिए? 2i - j + 3k। अच्छा, इंटू डॉट यानी का -i - 3j - 2k। सही तो लिख रहे हैं भाई साहब, फास्ट फास्ट में नहीं, कुछ डेटा गलत लिखे, बाकी आप समझदार है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी कैलकुलस मिस्टेक हो सकती है मास्टर से, इतना इमोशनल नहीं होने का यार। 2 - -2 है, माइनस और माइनस हो गए प्लस, दैट इज 3, और 3 - 6। अच्छा, तो माइनस का 8 और उसमें से चले गए 3, यानी कि बचा माइनस का 5, भाई बचा क्या है? -5 जूल इज बेसिकली वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यू टू दिस पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस हेयर टू देयर है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। आपको बोले कि फोर्स है, मान लो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली वर्क डन है क्या? मैंने कहा आपका dW आया था बेसिकली F डॉट ds, और ये जो ds है इसको मैं लिख सकता हूँ dx i cap dy j cap dz k cap। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हो, तो मेरे लिए जो वर्क आ जाएगा वो क्या होगा? मैंने कहा इधर से इसको इंटीग्रेट कर दो, इधर से इसको इंटीग्रेट कर दो। मान लो कि f मेरे लिए है, मान कुछ भी f है, जो भी f है, तो आप f डॉट dx i cap dy j cap
डी जेड के कैप करेंगे और जो है बेसिकली इसी का इंटीग्रेशन आपके आपको क्या देगा यहाँ पे W यानी कि वर्क डन दे देगा फोर्स का। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार। एक और लल्लू गुल्लू सा सवाल करते हैं, लल्लू गुल्लू सा सवाल लिख लेते हैं। सवाल नंबर दो हो गए आपके लिए अब वेक्टर वाला। अब मैं है ना पोजिशन दी इनिशियल और फाइनल तो आपने क्या निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट। मैं अगर सीधा डिस्प्लेसमेंट दू तो निकाल देगा क्या निकाल देगा। मैं तेरे को दूं कि भाई साहब एक्सेलरेशन दी हुई है मास दिया हुआ है बॉडी यहां से वहां गई कर लेगा एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करेगा फोर्स मिल जाएगा है ना फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये होता है मेडिकल लेवल ऐसे ही सवाल पूछते हैं उधर नीट वगैरह अपने इधर जेई एडवांस में। धीरे 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 अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक ऐसे ही लल्लू पल्लू सवाल करते हैं। मान लो कि आपको कल को कोई बोल दे एक बॉडी है ओहो जिसका मास एम है इनका बहुत बढ़िया वो यहाँ धरातल पे रखी हुई है यहाँ पे म्यू है यहाँ पे इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ कहाँ लग रहा है मैंने कहा थीटा पे लग रहा है और ये बॉडी जो है इधर की तरफ जा रही है कैसे जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है कितना दूर गई मैंने कहा यहां से चल के यहां आ गई है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है डी क्या हो गया है डी हो गया है। अच्छा फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स एफ फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स एफ। वर्क डन बताइए भाई अगर बॉडी जो है यहां से चलते हुए कहां पहुंच गई यहां पहुंच गई। अच्छा कैसे जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है यहां से आपको आइडिया लगेगा कि कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हो गया है भाई साहब कि एक्सेलरेशन क्या है जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स क्या है जीरो है। अच्छा अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो आप क्या पाइएगा कि ये बॉडी है मास एम की नीचे इस पे क्या लग रहा होगा एमजी लग रहा होगा ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल लग रहा होगा। एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। अच्छा मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कि म्यू इंटू एन जो है यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। अच्छा और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू आपके लिए होना चाहिए एमजी। खींचने वाला फोर्स कौन है एमजी है ऊपर की तरफ क्या लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है आपके लिए नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉर्मल की वैल्यू होगी एमजी माइनस एफ साइन थीटा। अच्छा ओहो तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई आपके लिए म्यू इंटू एन और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो म्यू इंटू एन मस्ट बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा म्यू इंटू एन मस्ट बी इक्वल टू यानी म्यू एम जी एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार हो हमको क्या चाहिए हमको चाहिए बेसिकली एफ चाहिए ना हाँ तो यहां से क्या आ जाएगा एफ म्यू एम जी और यहां से ये आ जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार तो एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी इधर हो गया है और इधर आ जाएगा कॉमन ले लीजिए तो बगल में आ जाएगा कॉस थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा ये माइनस होगा उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी म्यू साइन थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार हो अरे यहां से म्यू एफ साइन थीटा आ जाएगा उधर जाके म्यू एफ साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा एफ कॉमन ले लीजिए और उसी को म्यू एम जी से डिवाइड कर दिया खैर ये एफ आ गया। बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार वर्क डन अगर पता करना है तो हमारे लिए जो वर्क डन होगा एफ का वो आपके लिए हो जाएगा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा यानी कि म्यू एम जी एफ हो गया है आपके लिए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ये आपके लिए हो गया है एफ। डी की वैल्यू दी हुई है डी की वैल्यू क्या दी हुई है वो डी ही दी हुई है। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत सारा इन टू आपका बीच का एंगल क्या है कॉस थीटा तो ये जो है आपके लिए वर्क आ जाएगा म्यू एम जी डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। लुल्लू पुल्लू सवाल ऐसे ही दे दिया है मान लीजिए तो अभी तक जो भी अपन सवाल कर रहे हैं उसमें फोर्स कैसा है कांस्टेंट है फोर्स कैसा है कांस्टेंट है फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है हमको लगता है कि आज का हो गया है वक्त तो हम जो है आप हेडिंग डाल सकते हैं
वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वहीं से मेरे को लगता है लेक्चर टू शुरू करते हैं। हमें हम मान लो कि ये जो फोर्स वगैरह बॉडी पे लगाएंगे, तो ये जो फोर्स है वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एफ इज इक्वल टू टू एक्स आई के वाई जे के प्लस थ्री के कैप, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है एफ इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर न्यूटन, फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं? या फिर फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा भी तो हो सकता है? तब थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्या? मैंने कहा हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट तब होगा जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, वो भी कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट कोई बहुत ज्यादा टफ होने वाला नहीं है। अपन जानते हैं एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे उसमें क्या है। मान लीजिए कि f की वैल्यू है, मान लो कि f की वैल्यू है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, है कि नहीं यार? और आपका जो ds वेक्टर है वो ds वेक्टर क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो आपका वर्क निकालना होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, इनका डॉट ले लीजिए, डॉट ले लेंगे तो ये आपका एफ एक्स डॉट डी एक्स, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, एफ एक्स आई में, ये भी आई में है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई आ जाएगा, है कि नहीं यार? सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड आ जाएगा। और ये फोर्स लग रहा हो बॉडी, मान लो यहां से यहां तक गई, कहां से एक्स वन वाई वन जेड वन से मान लो कि बॉडी चली गई एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, एक्स है कि नहीं यार? तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, एक्स वन से एक्स टू, एक्स वन से एक्स टू, वाई वन से वाई टू, जेड वन से मैंने कहा जेड टू। इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ चीज है क्या? कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है जी, खूब पीएचडी करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आज हमारा पहला लेक्चर और हमको लगता है कि टाइम भी हो गया है, तो खेल आपको यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। चैप्टर्स नए होते स्टार्ट होते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को मतलब बहुत अच्छे से जारी रखें। अभी भी किसी प्रकार की कोई कोताही बरत रहे होंगे तो जाग जाइए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा है ना? फिर मतलब वर्क पावर एनर्जी भी हो जाएगा सर्कुलर, फिर मतलब जो है रोटेशन तक पहुंचते पहुंचते फिर आप चाह के भी पूरे रायते को समेट नहीं पाएंगे। बाकी आप अपना हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा, और जो है बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और समझने के लिए, अपने लिए भी समझिए, और मास्टर पढ़ा रहा है तो इसलिए समझ तो लीजिए, है ना? चलिए भाई साहब, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।